हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सूजी से बनने वाला चटपटा सा नाश्ता लेकर आई हूँ। सूजी के स्टफ्ड बॉल जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आप इनको सुबह के नाश्ते, शाम की चाय के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए हमको चाहिए 2 कप सूजी, 7 से 8 उबले हुए आलू, 1 कटोरी दही, तेल, 1 कटी हुई प्याज, आधी कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कटी हुई गाजर, इन सबको मैंने छोटा छोटा काटा हुआ है, थोड़ी सी हरी मटर, 4 से 5 कली लहसुन की, इनको मैंने छोटा काटा हुआ है, 2 कटी हुई हरी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 2 चम्मच सफेद तिल, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें सूजी डालें, स्वाद के अनुसार नमक डालें, दही डालेंगे, सबको एक साथ मिला लेंगे। सूजी का हमको सॉफ्ट डो बनाना है। आवश्यकता अनुसार पानी डालें क्योंकि सूजी फूलती है। हमारा आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। अब हम बर्तन का ढक्कन लगा देंगे और हम आधा घंटे के लिए आटे को छोड़ देंगे। अब चलिए हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। गैस पर कढ़ाई रखें, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें, तेल को गर्म होने देंगे, राई डालें, राई को चटकने दें, अब हम जीरा डालेंगे, जीरे को भी भूनेंगे। प्याज डालें, प्याज को लगातार चलाते हुए भूनें। इसमें लहसुन डालें, हरी मिर्च डालें, एक साथ भूनेंगे। हमारी प्याज भुन चुकी है। गाजर डालें, मटर, शिमला मिर्च, सबको एक साथ चलाएंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। हल्दी पाउडर डालें, लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, सबको एक साथ मिलाएं। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहें जब तक हमारी सब्जी अच्छे से गल नहीं जाती। हमारी सब्जी गल चुकी है, अब हम उसमें आलू मैश करके डालेंगे। अच्छे से मिला दें। हमको उसका चटपटा सा मसाला तैयार करना है। सारे मसाले को अच्छे से मिलाएं। हमारा आलू मसाला बनकर तैयार हो चुका है।
इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसमें गिलास पानी डालें। इसके ऊपर छलनी रखेंगे और छलनी के ऊपर एक ढक्कन रख देंगे और पानी को उबलने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी होगी। आटे को हम दोबारा से गूंथेंगे। हाथ में तेल लगाएं, एक नींबू के बराबर लोई लेंगे, उसको अच्छे से फैला लेंगे। हमको अच्छे से फैला लेना है। एक चम्मच आलू का मसाला लें, उसको बीच में रखेंगे और चारों तरफ से इसको दबाते हुए भरेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर इसको दोनों हाथों से गोल करेंगे, देखिए इस तरह से। मैंने इस तरह से सारे सूजी बॉल्स बना लिए हैं। अब हमारा पानी भी उबल चुका है, छलनी के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। और एक एक करके हम स्टफ बॉल रखेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम ढक्कन बंद करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको भाप में पकने देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम चेक करते हैं। हमारे सूजी के बॉल्स अच्छे से पक चुके हैं, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम उनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने अपने सारे सूजी स्टफ बॉल बना लिए हैं। अब हम उसमें तड़का लगाते हैं। गैस पर कढ़ाई रखें, उसमें रिफाइंड ऑयल डालें, गरम होने दें। राई डालें, राई को चटकने देंगे, जीरा, सफेद तिल डालेंगे, उनको भी भूनेंगे। फिर उसमें सूजी के बॉल्स डालेंगे। गैस को मीडियम ही रखें और सबको चला दें। ऊपर से चिली फ्लेक्स डालें। चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालें और सबको मिला दें। आप इनको अपने मन पसंद से कम तीखा या ज्यादा तीखा कर सकते हैं। हमारे सूजी के स्टफ बॉल बनकर तैयार हो चुके हैं, चलिए उनको हम एक प्लेट में सर्व करते हैं। एक एक करके सूजी के बॉल्स रखें। हमारे सूजी के स्टफ बॉल बनकर तैयार हो चुके हैं, ये बहुत ही चटपटे बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ एंजॉय करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। मैंने आपको एक सूजी बॉल काट के दिखाया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए।
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।